हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की 108 साल पुराने गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के बारे में, जो कि एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। ठीक है, बात करें इस कॉलेज के बारे में, हम क्या जानेंगे, इस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, टोटल सीट कितनी है इसमें, कट ऑफ क्या रहने वाली है, एवरी कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा मैं। जनरल कैटेगरी क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, एससी एसटी, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ट्यूशन फी क्या रहेगी, सब कुछ बताएंगे। और 2024 में आपको ये कॉलेजेस कितने मार्क्स पे मिल सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस कॉलेज की, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो कॉलेज है ना, ये स्टेबलाइज्ड कब हुआ था। ठीक है, तो यह कॉलेज जो है 1960 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। 1916 से रन कर रहा है ये कॉलेज, 108 साल लगभग जो है पुराना हो चुका है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटेक अगर बात करें, इसमें 75 सीट है, जिसमें 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा का होता है, जिसकी काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी कराती है। ठीक है, और 85% सीट जो है ना वो स्टेट कोटा का होता है, जिसकी काउंसलिंग वेस्ट बंगाल बोर्ड कराती है। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फी की बात करें तो बच्चों, पूरे भारत में मुझे जहां तक लगता है ना, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसकी इतनी मिनिमम ट्यूशन फी होगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र जो है 550 रुपये, 550 रुपये जो है आपको साल का ट्यूशन फी लगता है। हाँ, एडिशनल चार्जेस हैं कुछ, जैसे कि आपका लाइब्रेरी चार्ज हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, एग्जामिनेशन फी हो गया, वो सब मिला के 20,000 तक जाता है लगभग साल का। लेकिन ट्यूशन फी जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है ना, मात्र जो है 550 रुपया है। ठीक है, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कट ऑफ क्या मार्क्स पे आपको मिलेगी भैया। तो जैसा मैंने आप सबको बताया कि मैं एक एक कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूँ, किस मार्क्स पे कौन से कैटेगरी को यह कॉलेज अलॉट हुआ है, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चैट बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग हर एक कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक बच्चों, मैं आप सबको बता दूं कि चूंकि वेस्ट बंगाल में मात्र एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस रहता है कि बहुत सारे बच्चों को यह कॉलेज अलॉट हुआ है। कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या जाता है, क्या कौन से कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहता है। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको आपके स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपने जब इतना मेहनत करके एक अच्छा नीट स्कोर लाया है, आपने पूरी दिन रात एक करके पूरे संघर्ष से एक अच्छा स्कोर लाए हैं, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल ही ऑप्शन नहीं है, आप अदर स्टेट में ट्राई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपको नहीं पता डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग कैसे होती है, तो हमारे चैनल पे जो है डबल ए ट्रिपल सी की प्रॉपर काउंसलिंग की प्रोसेस बताई गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए उतना मार्क्स नहीं है आपके पास, या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी कम बजट के लिए सोच रहे हैं कि कम बजट में एक अच्छी कॉलेज मिल जाए आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है बजट पे नहीं कर सकते, तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि मैं पिछले 4 सालों से जो है बीएमएस की काउंसलिंग करा रहा हूं, तो हम जो भी काउंसलिंग की गाइड करते हैं ना आपको, प्रॉपर तरीके से एक डॉक्टर प्रोफेशन की तरह करते हैं कि कहां आपको कॉलेजेस अच्छी मिलेगी, कहां आपको प्रैक्टिकल अच्छा मिलेगा, सब कुछ बताते हैं क्या मार्क्स पे कौन सी कॉलेज आपको मिलेगी, कम बजट में कौन सी कॉलेजेस है, और सिर्फ आपको सजेशन ही नहीं देते बल्कि पूरी काउंसलिंग आपकी हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म फिल करने से जब तक आप कॉलेज ज्वाइनिंग नहीं कर लेते ना, तब तक हमारी गाइडेंस रहती है और सारी प्रोसेस जो है हमारे द्वारा कंप्लीट की जाती है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस इनहेल कर सकते हैं। और काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल वेदा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम कि क्या कट ऑफ रहने वाली है यहां पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। ठीक है, इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो वेस्ट बंगाल की अलॉटमेंट लिस्ट आती है ना, सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें पता रहता है कि कौन से बच्चे को कौन सी कॉलेज मिली है, उसमें नीट स्कोर क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक रहता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम गया 61,101, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड जो यहां पर मार्क्स 550 से 553, ये मैंने खुद से किया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर, 116,027 ऑल इंडिया रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हुई है, जो लगभग 535 से 540 के आसपास मार्क्स हो सकता है। ठीक, ओबीसी ए कैटेगरी, अब देखिए वेस्ट बंगाल में ओबीसी ए और ओबीसी बी, दो ओबीसी कैटेगरी होती है नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है, तो ओबीसी ए की बात करें तो 24,359 रैंक पे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गई थी, जिसका 540 से 545 के आसपास रहेगा। ओबीसी बी की बात करें तो 89,302 पे जो है ये कॉलेज अलॉट हुई थी। ओके,
एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 205,443 मार्क्स पे जो ये कॉलेज अलॉट हुई थी, जो कि 340 से 350 के बीच में रहेगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 920,335, जी हाँ 900,000 के बीच जो है ना अलॉट हुई है कॉलेजेस, ठीक है। तो आप जो है अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको काउंसलिंग का सही तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए। जस्ट क्वालिफाइड नंबर था, ठीक है, 150 के आसपास नंबर था। मैंने जब चेक किया ना प्रोजेक्ट, एसटी कैटेगरी में सबसे मिनिमम था, जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स वाले बच्चे को कॉलेज मिला था। तो काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत सही तरीके से करना है, ताकि कोई भी जो है कॉलेज आपसे मिस ना करे, ठीक है। बच्चों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं।